हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेक यानी कमर दर्द के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेक पेन होने की वजह क्या होती है और उसका इलाज क्या होता है, और कुछ घरेलू नुस्खे बताऊँगी आप। मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरी तरह से जान सकें कमर दर्द के बारे में। सबसे पहली वजह है कि आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बच्चे का तनाव जो है वो पीछे की तरफ होता है, उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द होता है। और नेक्स्ट वजह ये है कि आप एक नन्ही सी जान को जन्म दे रही होती हैं, इस तकलीफ तो पहले होती है। और नेक्स्ट रीज़न है कि आपके सोने का तरीका जो कि गलत होता है तो भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। और ये फ्रेंड, जब आप सोकर उठते हैं तो प्लीज़ आप उल्टा या सीधा होकर ना उठें, आपको स्लाइडली होके फिर आहिस्ता आहिस्ता से उठना है, एकदम से नहीं उठना है। आप जैसे पहले से आप प्रेगनेंसी में भी उसी तरह से उठते हैं, तभी भी आप पेन का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कि हमारे यहाँ 17% वुमेन्स जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार होती है, इसकी वजह से भी आपको कमर दर्द का शिकार हो सकती है। और सबसे बड़ा मसला तब होता है जब आपको हद से ज़्यादा तकलीफ हो और बढ़ जाए और इतना कमर में दर्द हो जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना चाहिए। और आप एक हालत में काम नहीं करना चाहिए आपको, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में वुमेन से होती है वो घंटों काम किचन में एक हालत में खड़े होकर या बैठकर एक ही हालत में काम करती रहती है, और वो कपड़े भी एक हालत में बैठकर धोती है या खड़े होकर धोती है। तो आपको क्या करना है, एक हालत में एक घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर आप एक घंटे से ज़्यादा एक हालत में रहेंगी तो आपको हद से ज़्यादा कमर दर्द हो सकता है, तो इसलिए आपको एक घंटा एक हालत में काम करना है और उसके कुछ 15-20 मिनट आपको रेस्ट करनी है, और उसके बाद दूसरी हालत में यानी अगर आप खड़े हैं तो फिर आपको बैठकर एक घंटा काम करना है। और जो जब आपका वेट गेन हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ मक्खन या घी वगैरह की वजह से भी हमारा वेट गेन होता है, और अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो जितना आपके कुछ छः महीने में वेट होना चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको कमर दर्द का शिकार हो सकती है। तो इस वजह से आप मक्खन और आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आप अंडे का इस्तेमाल करें, नट का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें बादाम अखरोट आ जाते हैं। आपको अपने खाने पीने का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, वो एक नहीं दो लोगों से जितना खाना खाना है, आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है, हर एक घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। अगर आप अपने आप को भूखा रखेंगी प्यासा रखेंगी तो आपको कमर दर्द हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पिएंगी तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत सारे मसाइल प्रेगनेंसी में पैदा होते हैं। आपको मिल्क का यूज़ करना चाहिए, आपको जूसेस का यूज़ करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताई थी, ये थी कुछ वजूहत। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कमर दर्द को ठीक कैसे किया जाए। अगर आपको कमर दर्द है और ठीक नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है आपको प्रेगनेंसी में, या किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाना है, आपको अपने आप को प्रेगनेंसी के मुतालिक ही किसी डॉक्टर को दिखाना है जो कि प्रेगनेंसी के केसेस उठाता हो, उसी डॉक्टर को आपको दिखाना है। अगर आप डॉक्टर के पास ना ही जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कदर मसाज से ठीक हो सकता है। बहुत सारे बाजार से ऑइंटमेंट मिलते हैं, आप वो लगा कर वेबसाइट पर उससे मसाज करेंगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपका मसाज के बाद भी दर्द नहीं हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, किसी आम डॉक्टर के पास नहीं जाएं। आप अपने और अपने बच्चे की सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।